शराबबंदी को लेकर के सरकार के कड़े रुख को देखते हुए पुलिस लगातार आजकल शराबबंदी को लेकर के राजधानी के होटलों में छापेमारी कर रही है। इसी दौरान पटना के डाक बंगला चौराहा स्थित जिंजर होटल के रूम नंबर 505 में शराब बरामद हुई, साथ में एक पुरुष और एक महिला को भी पुलिस ने पकड़ा है। कोतवाली थाना प्रभारी सुनील सिंह ने बताया कि वो लोग रूटीन चेकअप के तहत होटल के कमरे की जांच कर रहे थे, जिसमें रूम नंबर 505 में शराब बरामद हुई। हालांकि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में दोनों शराब पीने की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन शराब की दो बोतलें बरामद हुई है। एक बोतल पूरी खाली और दूसरे में थोड़ी सी शराब थी। पुलिस की गिरफ्त में महिला आई है जो कि एक डॉक्टर है पेशे से और पुणे के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कार्यरत है। हालांकि महिला ने शराब बोतल को लेकर के साफ इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मेरे पुरुष मित्र ने कहा था कि होटल से निकलते वक्त इसको फेंक देना। वहीं पुलिस की गिरफ्त में जो पुरुष आया है उनका नाम है शैलेंद्र शेखर। उसने बताया कि वह अभी ही पास आउट हुए हैं और वो अपना प्रैक्टिस करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसने शराब नहीं पी रखी है, हालांकि पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है और थाने ले आई है और जेल भेजने की योजना भी बनाई जा रही है। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी सुनील सिंह ने बताया कि दो शराब की बोतलें बरामद हुई है और महिला झारखंड की रहने वाली है और पुरुष दरभंगा का। वर्तमान में वह रहने वाला है और वर्तमान में बोरी रोड में रहता है और कंकड़बाग के निजी अस्पताल में प्रैक्टिस भी करता है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई की योजना बना रही है। आज? आज बॉटल था सर, वो बैग में मेरे पड़ा हुआ था। हमको लगा फेंक देंगे आलस के मारे, हम इतना ध्यान नहीं दिए सर, हमको इतना नहीं पता। ध्यान देगी कि लड़का रखा है सर। आप ठुकी है, बेहतर हो जाएगा। सुनो ना, अभी हॉस्पिटल जाके थोड़ा पड़ेगा। ठीक है, इतना बड़ा पेन उठाते हैं, तुम अपने हो गया अंदर जी। ठीक है।